सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SEI अलीगढ़ में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि अपना AMU BTech का एंट्रेंस का पेपर पास आता जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे AMU BTech के पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में, और सिलेबस कवर कैसे करें कम से कम टाइप में। तो आइए देखते हैं। पहले सबसे अपना जो AMU BTech का पेपर है वो 150 मार्क्स का होता है, और उसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का पेपर होता है, जिसमें करेक्ट करने पे +1 और इनकरेक्ट करने पे -1.25 यानी 1/4 ऑफ 1 क्वेश्चन चला जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सिलेबस क्या आता है। सिलेबस अपना फिजिक्स, जैसा कि जानते हैं, फिजिक्स अपना 50 मार्क्स का आता है, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का बनता है। फिर उसके बाद जैसे कहते हैं कि अगर आप किसी में ऑफलाइन किसी को कोचिंग करनी है या फिर AMU BTech की तैयारी करनी है कम से कम टाइम में और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, तो अपने स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ सकता है और ऑफलाइन कोचिंग कर सकता है और यहाँ की टेस्ट सीरीज भी ले सकता है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ही अच्छी और ही बेस्ट तरीके से हो सकती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाली है। कट ऑफ जो आपकी जो सेफर साइड की कट ऑफ होगी, तो वो एक्सटर्नल के लिए 80+ में आप बिल्कुल सेफ साइड में हैं, CS ब्रांच की तरफ है, और मिनिमम 55+ में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। और इंटरनल के लिए आप 70+ मान सकते हैं कि आप CS ब्रांच की तरफ हैं, और इंटरनल में 40+ में भी सिलेक्शन हो जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन टिप। देखिए, AMU BTech का जो पेपर आता है उसमें मेन चीज़ होती है कि आपने PYQ को कितने अच्छे तरीके से लगाया है और कितने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। सबसे मेन बात होती है कि फिजिक्स के जो PYQ आते हैं उन्हें आप जितने अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे और सिंपल तरीके से समझेंगे कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, उतनी आसानी से आपका फिजिक्स का पेपर जाने वाला है। केमिस्ट्री में अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला बेस्ड टोटल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़े कैलकुलेशन एरर आपको बचा के रखनी है, कैलकुलेशन एरर ना हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन, नेम रिएक्शन जितनी भी आती हैं, और फिर उसके बाद जो नेम रिएक्शन के बाद जो अपना मेन चीज़ आती है वो स्ट्रक्चर्स आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक स्ट्रक्चर, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर, S6 के स्ट्रक्चर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखने हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत सिलेबस हटा दिया गया है, बड़े बड़े जो चैप्टर डिफिकल्ट थे, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, ये सब हटा दिए गए हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ही सिंपल हो गया इनऑर्गेनिक में स्कोर करना। जैसे हम लोग का S ब्लॉक चैप्टर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आप देखिए सिलेबस क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि उसमें बिल्कुल आप जैसे ही देखेंगे क्वेश्चन और टिक मार के आगे चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल टाइम वेस्टिंग नहीं लगेगा और आपका टाइम बचाएगी केमिस्ट्री। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके PYQ आते हैं, दूसरे नंबर पर आपने कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे से कर रखे हैं, और सवाल को थोड़ा ऊपर, बोर्ड्स के थोड़ा ऊपर और JEE मेंस के लगभग सवाल आते हैं, JEE मेंस का जो लेवल होता है उसी के बराबर सवाल आते हैं। आपने JEE मेंस की क्वेश्चन PYQ थोड़े बहुत कर रखे और मैं AMU BTech के PYQ कर रखे, तो आपका मैथ्स में भी स्कोर अच्छा हो सकता है आपके लिए। और एक आपको वो देनी है, एडवाइस देनी है कि आपको PYQ बहुत अच्छे से करके जाने और अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से रखिएगा, आगे के जो बचे हुए दिन हैं उसमें आगे के लिए आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू।